दाइश ने अभी हमला किया है यहाँ पर बाजौड़ में, जो कि बिल्कुल मुंह पे खड़ा हुआ है कुनड़ के। तो इससे जाहिर ही होता है कि दाइश जो अभी तक पूरी तरह सब्साइड है, बल्कि उनकी फ्री मूवमेंट भी है, वो पेनिट्रेट भी कर सकते हैं दोनों साइड पे बॉर्डर्स के। सब ये पैराडॉक्स है पूरा, और पैराडॉक्स इसलिए है कि इसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वायलेंट, जिसमें ISKP, TTP, ETIM, फिर उसके अलावा अलकायदा, और इन सब का जो कन्वर्जेंस किसी एक जगह पर होता है वो है स्टेट ऑफ पाकिस्तान। जो TTP की तरफ से और अलकायदा की तरफ से और फिर उसके बाद अफगान तालिबान की तरफ से भी जो कंडेमनेशन आई है, ये बेसिकली इस बात का मदर है कि ये ISKP और इनके दरमियान जो मखासमत है उसको ये बेसिकली शो करती है। ISKP एक अलग पॉलिटिकल रिलीजियो वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और अफगान तालिबान और उसकी सब्सिडीज़ जिसके अंदर अलकायदा और TTP अब शामिल होती हैं, वो एक अलग रिलीजियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वायलेंट किस्म की। उसका जो मेन टारगेट थे मौलाना ज़ियाउल्लाह जान साहब, जो कि इसके अंदर शहीद हो गए, उनके साथ और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो शहीद हुए, वो खर का जो इलाका था बाजौड़ का, उसी से ताल्लुक़ रखते थे। और इनको दाइश की तरफ से बहुत ज़्यादा थ्रेट थी पहले, और ये फिर यहाँ से उठ के चले गए थे पिशावर, और पिशावर से ये सिर्फ इस कन्वेंशन के लिए आए थे। अब इनको क्यों टारगेट करना चाहती थी दाइश, उसकी वजह यह है कि इनकी सिंपथीज़ थी, इनका बड़ा एक विजिबल किस्म का अपने इलाके के अंदर आप कह लें कि पर्सनैलिटी थी, जो कि अफगान तालिबान जो थे उनको ये सपोर्ट भी करते थे और उनके साथ इनके कोई ताल्लुकात भी थे, और उसी वजह से दाइश जो है उनको टारगेट करना चाहती थी। और वही हुआ कि जब ये आए तो इनको उन्होंने टारगेट करके, जो जमीयतुल इस्लाम है इस पर पहले भी इस तरह के बहुत सारे अटैक्स हो चुके हैं, लेकिन इन अटैक्स का और इससे पहले के जो अटैक्स हैं उनमें फ़र्क यह है कि ये वाला अटैक जो है, दिस वॉज अ काइंड ऑफ स्टेटमेंट एंड मैसेज बाय द दाइश, कि जिसके अंदर वो ये बताना चाह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर एक तो रिलीजियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी महफूज नहीं है, नंबर दो चाइनीज़ प्रीमियर जो यहाँ पर इस वक्त आए थे वाइस प्रीमियर, वो दौरे पर थे, और CPAC की 10 साल वो सेरेमनी भी थी। तो ये एक बड़ा लार्जर स्केल पर मैसेज चला जाता है कि पाकिस्तान इज़ स्टिल नॉट वेरी मच सेफ फॉर सच एन इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो जहाँ पे रैम्पेंट हो और वो किसी भी वक्त किसी को भी टारगेट कर सकती हैं। मल्टीपल फवायद हासिल करने की कोशिश की गई है जिसने भी इस अटैक को ऑर्केस्ट्रेट किया। इसमें जो है वो अफगान तालिबान के ऊपर या इंडियन गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, कि एक होती है इनकॉम्पिटेंसी और एक होती है कॉम्प्लेस होना। यहाँ पर इन अ वे दोनों ही लग रहे हैं। इनकॉम्पिटेंस ये है कि वो क्लेम तो कर रहे हैं कि जी उन्होंने दाइश के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं, कमर तोड़ दी है, हत्ता कि आप जब जर्नलिस्ट से बात करते हैं, इंटेलिजेंस कम्युनिटी से बात करते हैं, डिप्लोमेट से बात करते हैं, तो वो भी कभी कभी तारीफ़ कर देते हैं कि वाकई GDI जो है, जो कि अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी है इस वक्त, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं दाइश के ख़िलाफ़। लेकिन जब ये आप देखते हैं कि दाइश वहाँ से पेनिट्रेट करती है टूवर्ड्स पाकिस्तान और स्पिल ओवर इफेक्ट आता है पाकिस्तान के अंदर, और यहाँ पर आके पाकिस्तान के लोगों को वो टारगेट करते हैं, या TTP वहाँ से आती है, तो ये फिर हमें इनकॉम्पिटेंस भी नज़र आती है कि शायद ये एक ज़्यादा बड़ा टारगेट अचीव करने के बाद या उसको मारने के बाद ये समझते हैं कि इन्होंने कमर तोड़ दी ऑर्गेनाइजेशन की, और अकॉम्प्लेंस इनकी ये नज़र आती है कि ये बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जो कि इसी दाइश को कहीं ना कहीं से ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लॉजिस्टिकल शायद प्रोवाइड कर रहे हो सपोर्ट, उनसे इन्होंने नज़रें चुराई हैं और उनको इन्होंने वहाँ पे शेल्टर किया हुआ है। तो ये दोहा जो पीस डील इन्होंने की थी और जिसके बारे में पिछले दिनों ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल सी स्टेटमेंट दी थी कि आपने ये क्लेम किया कि पाकिस्तान जो है उसको हम डिफरेंट तरीके से देखेंगे, वो दोहा अकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। टेक्निकली ये बात ज़ाहिर है ठीक नहीं है, पाकिस्तान टेक्निकली तो अमेरिका ने एलाय है और उसकी वजह से आपको उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई आप नहीं कर सकते, लेकिन ये क्लेम करना कि वहाँ पर सॉइल नहीं यूज़ हो रही और उसके बरक्स कुछ होना, ये इधर एक प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी का एक तरीका होता है स्टेट्स का, बहुत सारी स्टेट्स ये काम करती हैं। तो अफगान गवर्नमेंट जो है अफगान टाइम गवर्नमेंट, उसके ऊपर बहुत बड़ी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो अगर चाहती है कि वो सेंक्शन से हट के रिकग्निशन की तरफ जाए और रीजनल कनेक्टिविटी और पीस और प्रोग्रेस की जब वो बात करते हैं, तो वो उस तक मुमकिन नहीं है जब तक वो इन ऑर्गेनाइजेशन नॉन स्टेट एक्टर्स को कर्टेल नहीं करते। एक इंटरेस्टिंग मैटर है कि जमातुल अहरार का और दाइश का आपस में क्या लिंक है, इसका एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, और उसको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा जमातुल अहरार की जो हिस्ट्री है उसको देखें। जब हाफिज़ सईद खान जो कि औरंगज़ेब एजेंसी से ताल्लुक़ रखते थे, वो जमातुल अहरार का हिस्सा थे, और उन्होंने जब इसको छोड़ा जमातुल अहरार को, तो उन्होंने जिसको ज्वाइन किया जिस ऑर्गेनाइजेशन को, वो उन्होंने इस्लामिक स्टेट थी, और ISKP का चैप्टर यहाँ पे
इनॉग्रेट करने वाले, उसको चलाने वाले शुरू में, उसके अमीर पहले वो हाफिज सईद खान साहब बने थे। तो हाफिज सईद खान साहब जो थे औरंगजेब एजेंसी से थे, और औरंगजेब एजेंसी से ये जमात उल अहरार के अंदर उनके सरगर्म कारकुन थे, बहुत बड़े लीडर थे। फिर उनसे डिफेक्ट हुए और उसके बाद इन्होंने जिस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया वो ISKP थी, और ISKP के पहले अमीर बने यहाँ पे इस रीजन के अंदर, उन्होंने ही वहाँ से चलाया। तो जमात उल अहरार का और ISKP का अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट एक सिमिलर पैटर्न नज़र आता है बहुत सारी चीज़ों के अंदर, और उसकी वजह यही है कि बहुत से लोग जो जमात उल अहरार के अंदर थे वो बाद में ISKP का हिस्सा बने। तो ये नेक्सस कहीं ना कहीं अभी भी प्रिवेल करता है। बहुत सारे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट या इंटेलिजेंस कम्युनिटी के जो लोग हैं वो ये रिपोर्ट करते हैं कि इनकी आपस में मीटिंग्स तक अभी तक होती हैं। अफगान तालिबान ने ये क्लेम किया था कि GDI ने ऑपरेशंस किए हैं, और जो हॉट बेड है कुनड़, वो उधर जाके इन्होंने ISKP को जो है उसका काला कमा कर दिया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो दाइश ने अभी हमला किया है यहाँ पर बाजौड़ में, जो कि बिल्कुल मुँह पर खड़ा हुआ है कुनड़ के उस साइड पर, कुनड़ है बॉर्डर के साइड पर बाजौड़ है, तो इससे जाहिर ये होता है कि दाइश जो अभी तक पूरी तरह सब्साइड है, बल्कि उनकी फ्री मूवमेंट भी है, वो पेनिट्रेट भी कर सकते हैं दोनों साइड पे बॉर्डर्स के, और वो सॉफ्ट टारगेट्स को या हार्ड टारगेट्स को अटैक भी कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट है, इसका ये पैराडॉक्स है पूरा, और पैराडॉक्स इसलिए है कि इसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वायलेंट, जिसमें ISKP, TTP, ETIM, फिर उसके अलावा अलकायदा, ये तमाम के तमाम अपने अपने मकासद भी रखती हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कन्वर्ज भी करते हैं अपने इंटरेस्ट के अंदर। और इन सब का जो कन्वर्जेंस किसी एक जगह पर होता है वो है स्टेट ऑफ पाकिस्तान। स्टेट ऑफ पाकिस्तान और उसके अंदर जितने भी चाइनीज़ प्रोजेक्ट हैं या कोई प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, पाकिस्तान को टारगेट करना इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस का एक मुश्तरक, आप कह लें कि एक टारगेट है, मुश्तरक एक मफाद है। और उस मुश्तरक मफाद की वजह से, बावजूद इसके कि इनके आइडियोलॉजिकल जो मामलात हैं वो शायद डिफरेंट हों, ये डिफरेंट तरीके से मेथोडोलॉजी को अप्रोच करते हों, लेकिन इस एक मौजू के ऊपर, इस एक टॉपिक के ऊपर ये सब के सब इकट्ठे हैं। और इसी वजह से हम देखते हैं कि बहुत सी जगहों पे आपको कन्वर्जेंस नज़र आती है, इवन बिटवीन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो वायलेंट हैं, और इसी तरीके से सब नेशनलिस्ट या जो BLA BRA टाइप जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके दरमियान रिपोर्ट्स हैं बाकायदा कि BLA और BRA को ISKP ने और उसके अलावा TTP ने भी सपोर्ट किया और उनको नर्चर किया और उनको ट्रेन किया है इस चीज़ के अंदर कि उन्होंने रेड्स कैसे करने और उन्होंने सुसाइड अटैक्स कैसे करने। और अब फिर हम देखते हैं कि बाकायदा BLA BRA वगैरह भी सुसाइड अटैक्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, ना सिर्फ अडॉप्ट करें बल्कि खवातीन के अंदर भी लेके जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये हमें नज़र आती है कि जो कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का, वो इनको एक अम्ब्रेला के अंदर आने पे मजबूर कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अभी एक रिसेंट रिपोर्ट भी है, और उसमें भी उन्होंने दोबारा ये कहा है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जिसमें TTP है, जिसके अंदर ETIM है, गवर्नमेंट जो है वो शायद इस चीज़ को उस तरीके से शायद सीरियसली इसलिए ना ले रहे हो क्योंकि उनके लिए ये ख़तरा शायद उस तरह नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन किसी ना किसी तरीके से उनके साथ एक अलायंस में मौजूद है और उनको ये तंग नहीं करी स्वाय ISKP के, लेकिन बाकी तमाम ऑर्गेनाइजेशन उनके सामने सबड्यू कर चुकी हुई हैं। तो ये नज़र को फेरना सिर्फ इस वजह से कि वो आपको तंग नहीं कर रहे, बाकी रीजनल स्टेट्स को किस जिस तरह मर्जी तंग करते रहे, ये एट द एंड ऑफ द डे आपको भी बाइट बैक करेगा। इसकी बड़ी वजह ये है कि जब ये कन्वर्जेंस होगा और ये कंसोर्शियम बनेगा एक, तो ये कंसोर्शियम चाइनीज़ इंटरेस्ट को भी टारगेट करेगा, ये कंसोर्शियम रशियन इंटरेस्ट को भी टारगेट करेगा, यही कंसोर्शियम पाकिस्तान को तो टारगेट कर रहा है पहले से और आगे और जाके टारगेट करेगा, और यही कंसोर्शियम ईरान और सेंट्रल एशियन के जो बाकी कंट्रीज हैं उनको भी टारगेट करेगा। और जब ये कंसोर्शियम फिर जब एक्टिवेट होगा तो उसका जो आप कह लें कि ग्राउंड ज़ीरो जिसको आप कहते हैं इस पूरे वायरस का, वो अफगानिस्तान होगा। तो इस पर अभी से अगर वो लोग कोई एक्टिविटी कर लेते हैं, स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, उनको कर्टेल कर लेते हैं, तो रीजन विल बी सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ यू वॉन्ट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कॉन्टेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल।